पटना में रामनवमी को लेकर आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, महावीर मंदिर पटना में जो स्थित है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पूरा सज्जा धज्जा पूरा सजा दिया गया है और इसको लेकर पटना में प्रशासन के द्वारा भी विशेष तैयारी किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, इसको लेकर आपको हम अपडेट दिखा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर कि पटना में अब उच्चक्के हो जाएंगे सावधान, रामनवमी को लेकर विशेष अभियान चल रहा है। आपको क्या तैयारी चल रही है सर? रामनवमी आपको पता है कि रामनवमी कल है और रमज़ान भी चल रहा है, तो हम लोगों की कोशिश है कि ये पर्व बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्वक बीते, इसके लिए हम लोग पूरा सजग सतर्क रहते हुए आज बड़ी पदाधिकारी के निर्देश था कि पीरबावर थाना इलाका, कदम कुआं थाना इलाका और गांधी मैदान थाना इलाका में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया जाए, जिसका नेतृत्व टाउन DSP सर कर रहे थे। ये रैफ के इंस्पेक्टर हैं, इनके साथ पूरी उनकी टीम है। गांधी मैदान थाना प्रभारी, कदम कुआं थाना प्रभारी और मैं पीरबावर थाना अध्यक्ष और DSP सर, साथ में प्रशिक्षु DSP सर थे। इन सभी लोगों ने हम लोग पटना कॉलेज से निकलकर NIT मोड़ से गांधी चौक से फिर बारीपत पकड़ते हुए शरीफ कॉलोनी होते हुए हम लोग पहुँच गए मछवाटोली चौराहा, बिकनापाड़ी मोड़ होते हुए मछवाटोली चौराहा से होते हुए लंगरटोली चौराहा के बाद फकीरवाड़ा मस्जिद होते हुए फिर इस तरफ जो है हतुआ मार्केट होते हुए वापस कैथोलिक चर्च होते हुए केतान मार्केट होते हुए वापस सब्जी बाग होते हुए हम लोग थाना आ चुके हैं। फिर अशोक राजपथ की तरफ मूव कर रही है टीम। उद्देश्य स्पष्ट है, रामनवमी की तैयारी है। लोगों में ये संदेश स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि पुलिस टीम उनके साथ खड़ी है, हर अच्छे लोग पुलिस टीम के सहयोग में साथ खड़े हों, उनको ये सीधा संवाद है, उनकी अपेक्षा है और हमारी भी अपेक्षा है। हम दोनों सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ करके इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न करें। कल रूट में भी कोई चेंज होगा क्या सर? कल रूट भी रूट को चेंजिंग को लेकर के ऐसा अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं, हो सकता है वरीय पदाधिकारी का कुछ निर्देश हो जो आपको ज्ञात हो, बट जो लाइसेंस में रूट दिया जाता है वो बहुत स्पष्ट होता है, पूरी तरह से इसका सत्यापन करने के पश्चात ही लाइसेंस निर्गत किया जाता है, इसलिए मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं। आपके तरफ सुरक्षा व्यवस्था में सर पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे लोग? निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से सजग सतर्क और तैयार अवस्था में है कि ढंग से पर्व बीते। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।